हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आया हूं, जो है वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून। जी हाँ, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं आपको वह एडवर्टीजमेंट दिखाता हूँ। इस एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिसिप्लिन एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। इसमें आपको करना क्या है, आपको अपने सर्टिफिकेट्स, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, वो भेजने हैं। और जो टीचिंग स्टाफ है उनके लिए, जो जनरल कास्ट वाले हैं उनको 1000 रुपीज़, और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 500 रुपीज़, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में डिमांड ड्राफ्ट है वो लगेगा जनरल कास्ट के लिए 750 और एससी एसटी के लिए लगेगा वो 400 का। आपको जो बैंक ड्राफ्ट बनाना है वो बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना है वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून के नाम पे। अब आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन जो है इसकी अंतिम तिथि अभी आने वाली है 15 मार्च को। तो अगर आपने अभी तक यह फॉर्म नहीं भरा है या नहीं भर पाए हैं तो आपको इसे ज़रूर भरना चाहिए। अब मैं आपको टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बताता हूँ। तो टीचिंग पोस्ट में सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और जो एससी कास्ट के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो हैं, जिसमें दो के दो अनरिजर्व्ड हैं। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक अनरिजर्व्ड जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक एससी कास्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट निकली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर एक, अनरिजर्व्ड और एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और दो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिसमें एक अनरिजर्व्ड है, एक ओबीसी के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक एसोसिएट प्रोफेसर और दो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिसमें एक आपका है अनरिजर्व्ड और एक है एससी कास्ट के लिए। उसके बाद इंग्लिश, मैथमेटिक्स और मैनेजमेंट में एक एक पोस्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जो कि अनरिजर्व्ड है। उसके बाद जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ में आपका क्या है, रजिस्ट्रार एक अनरिजर्व्ड, अकाउंटेंट एक अनरिजर्व्ड पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट एक अनरिजर्व्ड पोस्ट, डिप्टी लाइब्रेरियन एक अनरिजर्व्ड पोस्ट, टीचिंग असिस्टेंट एक एससी के लिए एक अनरिजर्व्ड, प्रोग्रामर और लैब इंस्ट्रक्टर दोनों एक एक अनरिजर्व्ड चाहिए। अब आपको मैं आपको यहाँ बता दूँ कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो इसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज विल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट एज पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। तो आपको वहाँ पे देखना होगा, या जो AICTE के थ्रू आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको आप देख लें, नहीं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यही है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज विल बी गिवन एज पर द नॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से आपको देना होता है। अब सैलरी एंड अलाउंसेज क्या क्या हैं, सैलरी एंड अलाउंसेज विल बी एज पर द इंस्टीट्यूट नॉर्म्स इन द AICTE स्केल्स, ऑल रिलेवेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ठीक है, रिजर्वेशन, अभी जो न्यू रिजर्वेशन स्कीम लगी है उसके थ्रू आपके ये यहाँ पे पोस्टें भरी जाएंगी। अब आपको जो सारी चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.wit.ac.in पे मिल जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द फॉर्म कम्प्लीटली, आपको फॉर्म पूरा भरना है। फीस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप दो, एक या एक से अधिक फॉर्म भरना चाहें तो आपको उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस देनी होंगी। ठीक है, ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और जो आपको है 6 पॉइंट है, द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच डायरेक्टर वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोस्ट ऑफिस चंदनवाड़ी सुद्धवाला देहरादून उत्तराखंड लेटेस्ट बाय 15 मार्च 2019। तो आपको 15 मार्च 2019 को ये भेज देना है, या तो आप रजिस्टर्ड भेजें, स्पीड पोस्ट भेजें, या खुद जमा कराएं सबमिट बाय हैंड। तो अब ये लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू शैल नॉट बी इंटाइटल फॉर एनी TA and DA। ठीक है, कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी सेंड बाय ईमेल ओनली, आपको केवल मेल की जाएगी, आपको कोई ऐसा एडमिट कार्ड वगैरह इसका नहीं आएगा। आपको ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको इनकी वेबसाइट पर जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसको भर लीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जल्दी ही आने वाली है। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।